सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है हम मेरे घूमने से ही। तो देखो मैं कितनी खुश नज़र आ रही हूँ। सो गाइस, ये आ गए थे हम किसी मॉल में और ये लिफ्ट में जाते हुए बोल रहे अपना हाथ दे, मैंने दिया तो पकड़ा नहीं। गदर टू जवान, जवान लग रही है ये भी जवान, हम भी जवान, ये भी जवान, मूवी भी जवान। मूवी लॉज कॉफी कैफे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो कैफे। मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा हूँ बस। पीने के लिए अच्छा है गाइस, हमारे लिए बियर पीने के लिए, बियर पी सकते हैं अंदर हम। बियर पीने के लिए देखो ओपन भी है, ढाबा ओपन है। हम तो देसी भाषा में बोलते हैं ढाबा, शुद्ध देसी भाषा में ढाबा। अगर इसको ढाबा बोलेंगे तो ढाबों को क्या बोलेंगे? मतलब हमारा वो है बार, खाएंगे बाहर ही ना। हाँ चलो बार बार, ये बंद हो गई, कोई बात नहीं, उतरने के लिए हम जैसे ही चलेंगे, चलो खुल जाएगा। जैसे ही हम एक दुकान में गए तब तक बड़ी तेज बारिश आ गई। लेटी हुई थी, ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने कहा चल वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और गाइस रुको, आप कल वाली वीडियो को भी एंजॉय करो। कल वाली वीडियो भी मैं आज इसी में एडिट कर देती हूँ, क्योंकि कल हमने थोड़े से बनाए। मैंने सोचा था कि घूमने जाएंगे शाम को, बट घूमने नहीं गए, तो मैं इसी में ऐड कर देती हूँ वो वाला ब्लॉग। मेरे हस्बैंड जी और हमारा बेबी खेल रहे थे तो मैंने वीडियो बना दी थी, मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो डाल देती हूँ, बट हम शाम को घूमने नहीं गए, तो मैंने कहा चलिए कल बनाऊंगी वीडियो, तो थोड़ा इसे भी एड करके और डाल दूँगी। तो गाइस आप उसे एंजॉय करो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ध्यान रखना अपना और गाइस सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी बाय बाय नहीं, आप आगे एंजॉय करो, मैं करती हूँ बाय बाय। मेरे हस्बैंड जी को पता ही नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। ओम को भी ला गई मैं। लो भाई अमित, अमित तो गाइस मिलिए इनसे, मेरे पतिदेव से। ऐसे मत करो, मेरे को ना मैसेज कर रहे थे, वैसे मैंने फोटो लगाई थी ना जी जो घर आ गए, मैंने कहा वाह तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। दो दिन के लिए आए सिर्फ, बात करो नीचे बैठो बात करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडले का सब लोग
मैंने बात करने के लिए बोला, मुझे पुजारी के लिए नहीं बोला। फोटो तो अच्छा आ रही है फोन में, मुँह नहीं धुलना था बस। वीडियो है वो। हाँ वीडियो तो अच्छी बन रही है, मुँह धुलानी में। अरे अपनी बात नहीं करनी है, उनसे बात करना है। ऐसा हेलो गाइस, ठीक हो? सपोर्ट तुम गोरे कैसे आ रहे हो, ज्यादा आगे हो क्या? तो नहीं पागल, मैं तुम मेरे से ज्यादा कैसे गोरे हो? मैं गोरी हूँ, मैं गोरी हूँ यार, तुम समझते नहीं हो। मैं कल्लण देखो ना, मैं गोरी हूँ, चाहे तुम आगे हो जाओ मैं पीछे हो जाऊँ। अच्छा मैंने मुँह नहीं धोया अभी, मैं मुँह धो के आऊंगा ना अभी। कुछ मुंह धो के आ रहे हो तब बोल रहे हो? मुंह तो कुछ थोड़ा नहीं धोया, वो तो पसीना होता ना, मैं ऐसे साफ करा, ऐसे मुंह पानी से साफ करा है। यार गाइस ये बातें छोड़, तुम ये तो ऐसी बातें करते रहेंगे बस। ये कल्लू है ना थोड़ा, नहीं है तो गोरा, बट थोड़े दो एसी में है तो गोरा बट पर काले नजर आ रहे। तो क्या बोलते हैं, खाना खाया अभी हमने, अब हम सौंप खाएंगे। मैंने बोले थे इनको 1:30 बजे घर आने के लिए, और कितने बजे आए? 1 बजे 2 बजे 2:20 पे आए गाइस, तब जाके मैंने खाना खाया। झूठ बोल रहे हो, मेरे दौड़ों के साथ झूठ नहीं बोलना। चलो बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, है ना? कहीं जाएंगे हम घूमने? हरिद्वार बोलो ना यार, तुम तो हरिद्वार ले जाके ठोकना हो। कैसे हो यार तुम? सच्ची सच्ची एक बार मेरी कसम खाओ, मेरी सर की कसम खाओ। कितनी ठंडी हवा खा दिया मैंने, मेरे सर की कसम खाओ। ये कह रहे हैं कि तेरे को हरिद्वार छोड़ दूंगा मैं। ऐसी होता है वही, बच्चे होने के बाद किसी को जरूरत नहीं पड़ती। मजाक कर रहा है यार, चलो ठीक है गाइस सोते हम, है ना? जब बाद में करते हैं बात। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं बाद में करते हैं बात। 3 तो बज ही गए, 5 बजे तक शायद आप शाम को हमारे लिए आएंगे। हाँ ओम को लेके आती हूँ मैं। हरिओम 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 महाराज से ऐसी सड़नी हो रही है भगवान। अच्छी तो है, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, उसे देखने दो उसको। ओम खुद ही खुद में खुश हो रहा, यहाँ तक तो नहीं आ रही है। ओमी ओमी हम है थोड़ा गाड़ी सर्विस करवाने जा रखी है, क्योंकि उनकी गाड़ी पूरे 8-9 महीने से बंद पड़ी है, तो वो गाड़ी ठीक करवाने भी जा रखी है अपनी। और वो सिर्फ गैस 1 हफ्ते के लिए आ रखी है, मतलब 1 हफ्ता 2 दिन उनको आने में लगे, 2 दिन उनको जाने में लगेंगे, और 2 दिन वो अपने काम करने के लिए रुके थे और 2 दिन घर पर। तो आज और कल वो घर पर रहेंगे, परसों शायद में भी वो ड्यूटी पहुँच जाएंगे, चले जाएंगे। तो बस 2 दिन के लिए आए थे और पूरे 8 महीने बाद आए घर। घर आने की इतनी खुशी होती है, पर उससे ज़्यादा गम ना जब वो ड्यूटी जाते हैं तब होता है। तो चलो है ना, तो 2 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर छुट्टी अपनी छुट्टी लेके आएंगे अक्टूबर नवंबर में, मतलब नवंबर या दिसंबर में। तो अभी वो सिर्फ काम के लिए आ रखे थे, तो 2 दिन भी आ गए बहुत है, 2 दिन भी संगर देख लिया तो बहुत है। चलो है ना, तो
मैंने कहा था मुझे घुमाने ले चलो, तो बोला अभी गाड़ी थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं गाड़ी पहले सर्विस करवा लेता हूँ, गाड़ी ठीक करवा लेता हूँ। ऑटो वहीं से बंद पड़ी हुई थी तो गाड़ी भी थोड़ा मतलब उसके तार वार पता नहीं क्या निकल रखी है तो ठीक नहीं है। थैंक्स टू वॉचिंग, बाय बाय।